चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। ठीक है, आज हम संख्या पद्धति के अगले स्टेप में जाने वाले हैं। ठीक है, जो हमने कल बताया था वो संख्या आपको बता दी गई थी, लेकिन आज ये तीन चार संख्याएं और बताई जाएंगी, जैसे कंपेरिजन नंबर हो गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो गया, सॉर्ट फॉर्म हो गया, और सक्सेसर एंड प्रेडेसर हो गया, प्रेडेसर और सक्सेसर। ठीक है, अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या है ना कि हम बेस से बताएंगे। वो होता नहीं है कि डायरेक्ट अगर पांचवी सीढ़ी पर चढ़ा दिए तो फिसलना तो तय है। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप, वन सीढ़ी के बाद दूसरे पर कदम रखना है, तीसरे पर, ऐसे चलिए। ठीक है, तो आज चालू करते हैं कंपेरिजन ऑफ नंबर। कंपेरिजन ऑफ नंबर, यार कंपेरिजन ऑफ नंबर से आप समझ चुके होंगे कि जैसे ये कंपेयर कर लीजिए कौन संख्या, ये मान लीजिए ढक्कन है और ये उसकी कैप है, ये पेन है उसकी कैप है। ठीक है, या फिर इसको मार्कर समझिए, मार्कर है ही और इसकी कैप है। इसमें कंपेयर करिए, कंपेयर करने पर पता चला कि ये 5% है और ये 95% है। तो जस्ट यही कंपेरिजन है कि आप किस तरीके को लेना चाहेंगे या फिर किस तरीके से एडजस्ट करना चाहेंगे इन दोनों को। लेकिन ये जाके ऐसे बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 5% वाला छोटा है और ये 95% वाला बड़ा है। तो इसी तरीके से जितने भी नंबर हैं उनके हम कंपेरिजन करके बताते हैं आपको, छोटे से छोटा और बड़े से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। चलिए देखते हैं कंपेरिजन में। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, फर्स्ट में अगर आपका कोई संख्या है, मान लीजिए हम बहुत छोटी संख्या लेते हैं ताकि यहाँ से अगर आप समझेंगे तो पूरी समझ जाएंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। एक बात बताते हैं आपको, अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसमें ये बताइए कौन सा बड़ा है। ये तो आप गेस कर चुके होंगे कि 3 और 5 में 5 ही बड़ा है। अगर यही चीज़ बच्चे अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो, छोटे बच्चे, बहुत छोटा बच्चा देख रहा है, उसको कंपेरिजन जानना है नंबर सिस्टम का, तो वो सिंपल सा ये समझे कि अगर वो बैठा है और उसके पिताजी ने क्या काम किया, एक तरफ 10 रुपये रख दिए, एक तरफ 50 रुपये, तो जाहिर सी बात है आकर्षित होगा 50 की तरफ। और बच्चे ज़्यादा करके, मान लीजिए बहुत छोटा स्मॉलेस्ट है तो वो पैसों के चक्कर में इधर उधर तो नहीं जाता, लेकिन अगर आपको खाने वाली चीज़ अगर ज़्यादा दे रहे हैं ना तो वो ज़्यादा वाले की तरफ टूट पड़ता है। तो इसका सिंपल मतलब निकला कि जो ज़्यादा रहेगा हम उसकी तरफ मुंह खोलेंगे। ये इस तरीके से अगर इसको लगा दिया ना तो आप घबरा जाएंगे कि बराबर भी है बड़ा भी है। तो ऐसा ना करके आप ये करिए। ठीक, ये क्या हो गया, अगर बच्चे को जो भी समझ में आया कि ये चीज़ बड़ा है, क्या होता है कि हम बड़े की तरफ मुंह खोलते हैं और जो छोटा रहता है हम उसकी तरफ मुंह बना लेते हैं, उसकी तरफ पीट कर देते हैं या पूंछ कर देते हैं, ये वाली बात आती है। तो आपको समझ में आ गया ये संख्या कि कौन बड़ी है और कैसे करना है। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं, 10, 25, 30। अच्छा, इनमें जो बच्चा है उसको अगर मान लीजिए 10 केले इधर हैं और 25 केले इधर हैं, वो टूट पड़ेगा 25 केले की तरफ, क्योंकि सोचेगा आज भी खाएंगे कल भी खाएंगे, रखे रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे की मानसिकता जो होती है वो बड़े की तरफ आकर्षित होगी, वो अपना मुंह खोलेगा कि हम यही लेंगे। ठीक, तो क्या हो गया उसका, ये बड़ा वाला हो गया। ठीक, कंपेयर आपको समझ में आ रहा होगा बड़े और छोटे का। क्या होता है ना अक्सर आप गलतियां सिर्फ इसी में करते हो, आपको समझ में नहीं आया तो हम कंपेयर का साइन किसके लगाएं, ये जान लीजिए ये कंपेयर का साइन है। साइन ऑफ कंपेयर, ठीक है, ये कंपेयर का आपका साइन हो गया। अब सीधा कंपेयर करने के लिए आपने दो चीजें जान लिया कि जिस जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खोलेंगे और जो छोटा रहेगा उसकी तरफ पूंछ करेंगे, बस खत्म हो गए। अब इसमें देखिए ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह हो गया, खत्म हो गया। अगर यहीं पर अब आपको, हमको लगता है ये चीज़ समझ में आएगी, तो इसका बड़े वाला स्टेप बता देते हैं आपको। जैसे देखिए 3, 5, 9, 6, 8। ठीक है, यहाँ पर 3, 2, 8, 6। अब इसमें संख्या तो जाहिर सी बात है बड़ी कौन लग रही है, बड़ी ये वाली लग रही है, तो सिंपल सा लग जाएगा आपका क्या, इसकी तरफ मुंह हो जाएगा। हो गया ना हल, कंपेयर करना बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को समझिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे फंसते हैं, जैसे यहाँ पर भी 3, 2,
यहाँ पर भी 3 2, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 5 6 हो गया, यहाँ पर 4 6 हो गया। बस गलती आप इसी में कर जाओगे। कैसे? ये देखिए, क्वेश्चन पढ़ा नहीं। पहली बात हम एक सजेशन देते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठिए तो क्वेश्चन को अगर आपको एक बार भी नहीं समझ में आता तो 2 3 बार पढ़िए, और कहीं कहीं पर भी आपको जो नहीं का ऑप्शन रहता है आप आधा क्वेश्चन पढ़े, नहीं को देखे नहीं और तुरंत लगा कर चले जाए, वो हो जाती है गलती आपसे। उसी गलती को सुधारने के लिए ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसी संख्याएं दी गई हैं, 3 3 तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या देखिए, 56 और 46, लास्ट का देख लीजिए, 56 और 46, तो बड़ा तो 56 है ना, तो सिंपल सा आप एम्पेयर में इसकी तरफ मूव हो जाएगा, ऐसे डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। अब हमको लगता है कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए आप एक बात बताइए, आप जो कह सकते हैं आपकी इस द नंबर आर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज नोन एज असेंडिंग, क्या कह सकते हैं, द नंबर आर स्मॉलेस्ट आर ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से जब बड़े की तरफ जाते हैं वो हमारा असेंडिंग रहता है, बट जब यही डिसेंडिंग की बात आ जाए द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की तरफ जब जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको समझिए, पहले हम छोटा चीज बताएंगे। ठीक है, छोटे के लिए देखें क्या है, अगर यहीं पर हम असेंडिंग ऑर्डर बताते हैं, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके संख्याएं गई हैं। ठीक, अगर यहीं पर 1 2 3 ऐसे करके संख्याएं गई हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट गई है नंबर। अब अगर यहीं हम डिसेंडिंग ऑर्डर बताएं तो पहले असेंडिंग पूरा समझ लीजिए, डिसेंडिंग बताते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कोई नंबर दे दिया गया, इसको बनाना क्या है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको पहले छोटा बता देते हैं तब इस पर आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 326 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, पहले आप छोटी संख्या लेंगे 2, उसके बाद उसके बड़ी 3, उसके बाद 6, ये हो गया आपका छोटी से बड़ी, ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम छोटी लेंगे, उसके बाद थोड़ी बड़ी, उसके बाद पूरी बड़ी, ये संख्या पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये संख्या आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये संख्या क्या है, जिस तरीके से हमने इसको किया है उस तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज उसमें छूट गया था आपका, क्या था ये, कंपेरिजन ऑफ नंबर में हमने क्या बताया, बड़ा छोटा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर संख्याएं मान लीजिए 56 30 और यहाँ पर भी 56 30 है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, अगर संख्याएं बराबर हैं तो इसको बराबर का साइन दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ लीजिए। अब इसमें आ जाइए, असेंडिंग है, अब इसको बनाइए आप, सबसे पहले छोटी छोटी लिखेंगे भाई, 2 2, ये 2 हो गया, एक 2 हो गया, अब 3 3 लिखेंगे, 3 3, क्योंकि आपको करना क्या है, असेंडिंग में हमने क्या बताया, द नंबर आर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ये सिंपल समझिए, 3 3 हो गया। अब इसके बाद बताइए ये इसमें से कौन बड़ी है या फिर कौन सबसे छोटी, तो 5 इसमें आ जाएंगी, 8 आ जाएगा, 9, ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक, अब हम चल, ये हमको लगता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। ठीक है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर को भी हमने बताया है, देखिए एक छोटी संख्या इसी में देख लीजिए, ये क्या है, अगर इधर से आप शुरुआत करिए, इधर से शुरुआत करिए इधर तक, ये बड़ा है और ये छोटा, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे मान लीजिए छोटा 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 छोटा, अगर बड़े से इतने छोटे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे कैसे, हमने बताया है कि जब हम संख्याओं को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले जाएं तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा,
डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन यही चीज पलट गया, ये समझ लीजिए, इधर से बड़े बड़े इतना बड़ा गया, तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं, एक सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं उसमें समझिए, हमने क्या बताया आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे, क्योंकि इससे बड़ी ये वाली है, इससे बड़ी ये वाली, इससे बड़ी, तो जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो सबसे पहले ऐसे संख्या, ये तो अभी आपका असेंडिंग में लिखा है, इसको घबराइए देख के नहीं, ये असेंडिंग में लिखा है, लेकिन अगर हम इसको डिसेंडिंग में बनाएंगे तो हमने बताया नहीं कि आप बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, तो इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन है, 10 हुआ, सबसे बड़ा क्या है 10 हुआ, ठीक, उससे छोटा कौन है 8 हुआ, उससे छोटा क्या है 6 हुआ, उससे छोटा 5, ये आपका क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, ये आपका केस में हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा इनको हिंदी में जान लीजिए जो कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग, तो असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, जैसे ना कख गघ का होता नहीं कि जो स्वर हैं वो सबसे पहले आते हैं, तो ऐसे करके जाते हैं, तो आरोही से समझिए ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब होता है अवरोही, अवरोही से आप समझ सकते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ लिए तो पूरी खेल खत्म आपकी, ये छोटे बड़े वाली आप तुरंत कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब एक और संख्या बड़ी देते हैं आपको, यहाँ पर लीजिए 9, 8, 2, 9, 3, 1, इसको हमको बताना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, कैसे करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को क्या करिए पॉज करिए और तुरंत हमको ये लगाकर कमेंट में बताइए कि हाँ हमारा इतना आंसर आया, तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको 9, 9, हमने क्या बताया, जब हम छोटी से चलेंगे तो हमारा असेंडिंग रहेगा, लेकिन हम यहाँ से क्या चल रहे हैं डिसेंडिंग बता रहे हैं, तो हम बड़ी से चलेंगे, सबसे पहले बड़ी लेंगे उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, तो 9, 9 हमारा सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है हमारा 3 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद 1 है, ये हमारा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो बस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट फॉर्म की तरफ, आपको हमने क्या क्या बता दिया भाई, ये बता दिया कंपैरिजन ऑफ नंबर बता दिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग बता दिया, ठीक है। अगर हाँ किसी को भी ये ज़रूरत पड़े कि हमको पूरी की पूरी एक, जैसे असेंडिंग का है तो असेंडिंग का एक चैप्टर में बनाइए, तो हम उसको बना देंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, हमने क्या कल एक्सपेंड फॉर्म बताया था आपको, यानी किसी चीज़ को विस्तार कर, अब हम उसी को सिकोड़ना यानी शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या है, अब बता क्या रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, देख लीजिए ये संख्या है और ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना, कुछ नहीं करना, हम 3 लिख लेंगे यहाँ पर, बाकी 0 छोड़ देंगे। अब इसको प्लस करेंगे, ना कि इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट करने के लिए एक अच्छा सा है, आपको एडिशन आता होगा यानी जोड़, तो सिंपल आप जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 3, ऐसे करके आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट लगाना है तो कुछ नहीं, 3 लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें, 3 लिखें, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन आप यहाँ पर अगर करेंगे तो वही आंसर आएगा, 3 का 3, 1 का 1, 2 का 3, देख लीजिए 32 13 32 13, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, आपको तुरंत समझ में आएंगे, ठीक है। यहाँ समझना मतलब बिल्कुल आसान, हमने कई बार आपको बताया है ना कि पानी पीने जैसा है,
यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दिमाग जैसे मुंह में पानी जाता है, उसी तरह के यहाँ का ज्ञान सीधा खोपड़ी में घुस जाता है पानी की तरह। ठीक। अब प्रेडेसर एंड ससेसर, अरे भाई एक बात समझ लो, प्रीडेसर भी समझा देते हैं और ससेसर भी समझा देते हैं, हम इस पेन के ही थ्रू बता देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए ये संख्या है, ये कोई संख्या है 5, ये संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक। अब हमने क्या काम किया, इस ढक्कन को, ये तो आसमान में उड़े जा रहा है, हम तो निकाले नहीं, पता नहीं कैसे आ गया, क्योंकि आपको समझाना है, बस इसीलिए आया है उड़ के। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, ये ढक्कन ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, आपको प्रेडेसर जैसे ही बताना हुआ ये उड़ गया, उड़ गया तो बचा कितना, 4। तो सिंपल समझिए, अगर किसी नंबर में से एक को घटा दिया जाए, हमने क्या बताया 1 2 3 4, मान लीजिए ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक। तो अगर एक को निकाल दिया गया तो सिंपल हो गया प्रीडेसर, बस यही चीज। अब समझिए ये 4 है और इस ढक्कन को ले जाकर इसमें जोड़ दे दिया गया, ये आपका ससेसर हो गया, यानी किसी संख्या में 1 ऐड करने पर हमारा ससेसर बनता है, लेकिन 1 ऐड ना करने की जगह पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रीडेसर हो गया। ये चीज़ आपको समझना होगा, जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना, मान लीजिए ये 10 है, और 10 में हमने क्या बताया था कि अगर आप किसी चीज में किसी संख्या में अगर एक ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा ससेसर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए +1, ये हमारा टोटल हो गया 11 हो गया, यही हमारा था ससेसर। ठीक, ये हमारा ससेसर है। ठीक है, अगर हम यहीं पर प्रीडेसर बताते हैं तो कुछ नहीं करना, 10 -1 क्या होता है ना कि आप बहुत सारा पढ़ तो लिए डायरेक्ट, ससेसर ये है एक प्लस किया, प्रीडेसर ये है एक माइनस किया, लेकिन जब कहीं लगाना पड़ता है ना तो वहीं फंस जाते हो, कैसे कैसे आपने रट जो लिया है। हम यहाँ ये बार बार बताते हैं, रटिए मत किसी चीज को, समझिए, अगर आप ये एक रट लिए कि अच्छा जो ससेसर होता है ख्याल है ख्याल है, एक जोड़ देंगे ना ससेसर हो गया, प्रीडेसर एक घटा देंगे यार उसमें से हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक जोड़ दिए एक हो गया, एक घटा दिए एक हो गया, कितने दिन तक याद रहेगा ये, कुछ नहीं करना। देखिए आप ये संख्या लिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है प्रीडेसर और ससेसर, इस तरीके से आप रट सकते हैं, जो समझ लीजिए इसमें से छोटा है उसमें जोड़ा जाएगा, जो इसमें से छोटा है जो ससेसर है हमारा। ठीक है, इसको आप सक्सेसर भी पढ़ सकते हैं, जिसको जिस अनुसार पढ़ना है कोई दिक्कत, ससेसर है प्रेडेसर है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये ससेसर जो है हमारा क्या है, छोटा है, तो जब छोटा है तो समझिएगा तुरंत ये इसमें जोड़ा जाएगा, हमने क्या बताया ये ढक्कन है और ये यहाँ पर आकर बैठ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी जो ससेसर है, ससेसर लिखना सीख लीजिए, स्पेलिंग याद कर लीजिए, प्रेडेसर को देख लीजिए, अगर ये बड़ा है तो समझिएगा इसमें से घटाना पड़ेगा, कहीं पर प्रेडेसर पूछ लिया तो समझ लीजिए एक घटाना पड़ेगा और ससेसर पूछ लीजिए तो एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, देखिए एक उदाहरण आपको और दे देते हैं, 22 है यहाँ पर, मान लीजिए 221 है, लेकिन अगर हमने यहीं पर ससेसर पूछ लिया तो आपके दिमाग में तुरंत चला आ रही है ससेसर तो प्रेडेसर से छोटा है, तो हमको तुरंत जोड़ देना पड़ेगा, यहाँ पर अगर ससेसर लगाना है +1, लेकिन अगर यहीं पर प्रेडेसर रहेगा ये आपका आ गया आंसर प्रेडेसर। ठीक, और ये आपका हो गया ससेसर। ये चीज समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो, और दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।